सर मुझे फाइल मंगाई सर। ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूंगा। जहाँ जरूरत थी अमर को यहाँ भेजने की, पहले इस घर में उस लाटो रानी के नखरे उठाने वाली कम है, जब वो भी आ गया उसके पैरों के नीचे अपनी हथेलियां रखने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे रोका नहीं था? कितनी मर्तबा से मैंने मना किया मगर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो फिर अब खुश है अपनी इज्जत अफजाई करवा के? क्या मतलब है? जब वो आया तो मोहतरमा अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया, मिली तक नहीं उससे। हाँ तभी मैं कहूँ कि वहाँ से आकर उसने मुझसे कोई बात क्यों नहीं की। अभी भी वक्त है, मैं कहती हूँ जल्द अज जल्द नरमीन के घर वालों को बुला लें और शादी की बात आगे बढ़वा लें। अगर देर हो गई ना तो ये ना हो हम लोग हाथ पे हाथ मिलते रह जाएं बस। अच्छा हाँ ठीक है मैं करती हूँ बात। ना वादे मत करती। वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हारी सारी प्लानिंग बिल्कुल नाकाम हो गई। तबरेज ने उस लड़की को तलाक दी नहीं और वो लड़की हमारे हाथ से भी निकल गई। मोहसिन साहब आप नाउमीद ना हुआ करें और वो भी इतने जल्दी। आप मुझे जानते हैं मेरे पास हर चीज का प्लान बी मौजूद होता है। यार तुम प्लान बी सी डी जो मर्जी इस्तेमाल करो लेकिन मेरी जान इस मामले से छुड़वाओ। आप रिलैक्स करें बैठे मैं चाय का कह के लाता हूँ। दरिया